कार्यकाल के आखिरी दिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा मलहरा विधानसभा के गोवारा में एक विशाल चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस को जमकर कोसा और भाजपा प्रत्याशी को विजयी बनाने की अपील की। मध्य प्रदेश के गोवारा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विशाल चुनावी जनसभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने भाजपा प्रत्याशी के लिए वोट मांगे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने भाजपा प्रत्याशी ललिता यादव के शुरुआती संघर्ष की बातें जनता को बताई, जिसको सुनकर प्रत्याशी ललिता यादव भावुक हो गई। वहीं मुख्यमंत्री ने सत्ता की भूखी कांग्रेस को जमकर कोसा। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया व दिग्विजय सिंह के बारे में कहा कि कांग्रेस के यह राजा महाराजा कुर्सी के बिना जी नहीं सकते। इस दौरान उन्होंने अपनी कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जनता को बताया। और बिना कुर्सी के कांग्रेस के राजा महाराजा जी नहीं सकते, उद्योगपति रह नहीं सकते, कुर्सी की याद सताती है, एक कुर्सी तेरे बिना भी क्या जीना। 15 साल से ये शिवराज मुख्यमंत्री बना बैठा है, ये सहन नहीं हो रहा। राजा महाराजा और उद्योगपति, मैं कहना चाहता हूँ लोकतंत्र लोकतंत्र, यहाँ चाय बेचने वाले का बेटा प्रधानमंत्री बन जाता है और हल चलाने वाले का बेटा मुख्यमंत्री। न्यूज़ बीके के लिए छतरपुर से सुशील सिवरे की रिपोर्ट।